हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेंकीज इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर फोर 21 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड किया है। फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 17 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। फ्रेंड, कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 1700 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 1% का डिविडेंड रिकमेंड किया है। और फ्रेंड, यह डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा जब आने वाली AGM इनके मेंबर्स के द्वारा यह अप्रूव हो गया। तो चलिए अभी डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। देखिए, ये कंपनी के क्वार्टर फोर 21 के रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर टैटिक क्वार्टर 3 21 के रिजल्ट है, ये पिछले साल सेम क्वार्टर टैटिक क्वार्टर फोर 20 के रिजल्ट है। और फ्रेंड, हम इस क्वार्टर रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3 लाख। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देख लेते हैं। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का इस क्वार्टर का, वो है 94,135 लाख रुपए। अदर इनकम है 1,150 लाख रुपए। इस क्वार्टर की टोटल इनकम है वो है 95,285 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर के थे 94,066 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 66,952 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी की इनकम थोड़ी सी बढ़ी है एंड ईयर ईयर बेसिस पर काफी अच्छी बढ़ गई है, अराउंड 33% बढ़ गई है। तो काफी अच्छी बढ़ी है ईयर ईयर बेसिस पे। अभी देख लेते हैं खर्चे। जो इस क्वार्टर के टोटल खर्चे हैं फ्रेंड, वो है 84,634 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर के थे 89,811 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 89,866 लाख रुपए। फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी की इनकम थोड़ी सी बढ़ी है अराउंड 1,000 लाख रुपए, पर जो खर्चे बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, देखिए अराउंड 5,000 लाख रुपए बढ़ गए हैं। तो क्या कह सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया, जो कि अच्छा नहीं है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम काफी ज्यादा बढ़ी है, पर खर्चे देखिए थोड़े से ही कम है ईयर ईयर बेसिस पे। तो ईयर ईयर बेसिस पे कह सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है। तो फ्रेंड, हम क्या कह सकते हैं कि ईयर ईयर बेसिस पे तो कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं अभी तक, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी बेकार है। क्योंकि तो देखिए कितना ज्यादा, यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें कंपनी का इस क्वार्टर का, वो देखिए 10,651 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर का था 14,255 लाख रुपए। देखिए इनकम ज्यादा थी पर खर्च प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है, वो क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है, इनके खर्चे बढ़ गए हैं इस क्वार्टर के। और ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में थी 12,914 लाख रुपए। देखिए जो प्रॉफिट है वो बिना ब्रैकेट के, जो लॉस है वो ब्रैकेट में है। तो जहां पे ब्रैकेट में दे रखा है इसका मतलब यह लॉस है। तो कंपनी पिछले साल तो लॉस में थी। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो इस क्वार्टर का 7,790 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर का था 10,650 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 9,673 लाख रुपए। तो फ्रेंड, जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 25% डिक्रीज हो गया है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिछले साल तो कंपनी लॉस में थी, अभी प्रॉफिट में है, काफी अच्छे प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं है कि कम प्रॉफिट में है। ठीक है फ्रेंड, अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर, जिससे हम पता लग जाएगा डायरेक्टली कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए कंपनी का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का, वो है 55.30 रुपए। पिछले क्वार्टर का था 75.60 रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 68.66 रुपए लॉस। देखिए ब्रैकेट में दे रखा है, जो भी चीज यहाँ पे ब्रैकेट है वो माइनस है, इसका मतलब इधर लॉस है। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर 20 रुपए पर शेयर डिक्रीज हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे तो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा इंक्रीज हो गया है, 68+55 दैट इज 123 रुपीज के अराउंड इंक्रीज हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, पर ईयर ईयर बेसिस पे काफी अच्छे है। और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 17 रुपए का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है, जो काफी अच्छा है। ओके, थैंक्स।